देश और दुनिया पर आई संकट की इस घड़ी में हर कोई अपना योगदान दे रहा है। कोरोना वायरस के खिलाफ चल रही इस लड़ाई में डॉक्टर और पुलिस के बाद अब जेल के कैदी भी काम पर लग गए हैं। सूरत के लाजपुर सेंट्रल जेल के कैदियों ने जो कारनामा किया है उसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। लाजपुर जेल के कैदियों ने मुख्यमंत्री राहत कोष में 1,11,111 रुपए जमा कर एक मिसाल कायम की है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे एक कैदी जेल के अधीक्षक को पैसे देते हुए नजर आ रहे हैं। लाजपुर जेल में मेरे पास अभी 650 जितने कन्विक्टेड कैदी है, तो इन लोगों ने ये तय किया है कि जो अभी जो COVID-19 जो चल रहा है तो उसमें इन लोगों को जो रोज़ कुछ न कुछ काम करते हैं इसके बदले में जो इनको वेजिस मिलता है तो उनकी बचत होती है, तो बचत में से ये लोग माननीय CM साहब के फंड में 1,11,111 रुपया का फंड एकत्र करके वो CM फंड में देना चाहते हैं। जेल अधीक्षक से बातचीत के बाद जब गुजरात तक के संवाददाता संजय सिंह राठौड़ ने जेल के कैदी से मुख्यमंत्री राहत कोष में दिए गए चेक के बारे में बात की तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। हाल अभी विश्व भर में चल रही बीमारी COVID-19, इससे लड़ने के लिए करके इस जेल के बंदीवान भाइयों और बहनों ने जिनको वेजिस मिल रहा है, जो पक्के काम के कैदी है जिनको सजा पड़ गई है उनको काम मिला है जेल की तरफ से, और हमारे अपने बचत के अंदर जो हमको वेजिस मिल रहा है उस बचत के उसके अंदर से हम लोगों ने अपने पैसा बचा करके मुख्यमंत्री श्री रूपाणी साहब के राहत फंड के अंदर हमने एक रकम 1,11,111 रुपया राहत फंड के अंदर में देने का निर्णय लिया है, जिसके अंदर में हम लोगों को हमारे अधीक्षक श्री नीनामा साहब और बाकी स्टाफ के लोगों ने भी पूरी मदद की है। ये रकम जो है हमारी स्वेच्छा से हम मुख्यमंत्री श्री रूपाणी साहब के राहत फंड के अंदर में जमा करा रहे हैं। आपको बता दें कि सूरत की लाजपुर जेल पहली ऐसी जेल बन गई है जिसके कैदियों ने अपने मेहनताने में से जमा रकम को मुख्यमंत्री राहत कोष में दिया है। सूरत से संजय सिंह राठौड़ की रिपोर्ट, गुजरात तक।